है राजधानी के हाई फाइव ऑडिटोरियम में, जहाँ पर ए पॉपुलर मेलोडी म्यूजिक ग्रुप ऑफ साउथ दिल्ली एंड ए डिवोशनल ग्रुप की तरफ से एक भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया गया है। आज नवरात्रि शुरू हैं। वीपी सचदेवा जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शर्मा जी नमस्कार, जय माता दी। आप सभी यहाँ आए भक्तों और भक्तानियों, मेरे बहनों भाइयों, सबको आज की नवरात्रि की पहली बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारी माता रानी हमारे ऊपर पूरी कृपा उन्होंने दी हुई है, आज के दिन मंगलवार जो कि मैं अपना शुभ मानता हूँ, और पहला नवरात्रा ही देखो मंगलवार पड़ गया। और हर एक बार जब भी हमने भजन संध्या यहाँ पे की है तो हम मंगलवार को ही करते हैं। तो माता रानी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। और जो आज की हमें इस कार्यक्रम को करने से जो हमें खुशी हासिल हुई है, वो हमें हैंड टू हैंड फल मिलता है। और कल आप देखना हमारे साथ कोई चमत्कार करेगी हमारी माता, और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ सभी के भी ऐसे चमत्कार करें, और सभी की श्रद्धा यही प्रकार से हम लोगों के साथ संगठित रहे, और हम ऐसे ही रेगुलर अपनी माता की चौकी और जो भी है भजन संध्या करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद वीपी सचदेवा जी। आपका शुभ नाम? शोभा नारंग जी। शोभा जी, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? आज चैत्र नवरात्रा स्टार्ट हुआ है, और प्रथम नवरात्रा है शैलपुत्री माता का, जिसको हमने आज भजन के द्वारा बहुत अच्छे से यहाँ पे आयोजित किया है। और सब हमारे सिंगर्स, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने आके माता के भजन सुनाए और पूरे समा को बांध दिया, रूबरू हो गए हम संगीत से। तो हमें बहुत खुशी है, और मैं चाहूँगी कि माता रानी की कृपा सभी समस्त संसार पे, सभी प्राणियों पे, नर नारी जीव जंतु सब पे बनी रहे, और सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। आपका शुभ नाम? मनीष ठाकुर जी। मनीष जी, जय माता दी। जय माता दी। क्या कहेंगे आज के? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पहला नवरात्रा है, माता रानी सभी पे कृपा बरसे, और यहाँ जितने भी भक्त लोग आए हैं उन्होंने अपनी अपनी माता श्री के चरणों में अपनी अपनी भेंट गाई हैं, और बहुत ही अच्छा लगा हमें आज की डेट यहाँ पर आकर पहले नवरात्र में। माता रानी सबके पर कृपा रखे ऐसे ही। बहुत खूब, सब पर कृपा रखेगी माता रानी। मेरा शुभ नाम सचिन रस्तोगी है। आज मैं पीपी सर के प्रोग्राम में आकर के मैंने आज अपनी पहली भेंट आज माता को दी है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज इस प्रोग्राम को सुन के और अच्छे अच्छे सिंगरों को सुन करके। और मैं चाहता हूँ कि सर जितने भी लोग यहाँ आए थे, माता रानी की कृपा सब पर बरसती रहे और हमेशा सब खुशहाल रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी के साथ संगत में जुड़े रहें। बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम की सह आयोजक सुधा काला जी, क्या संदेश? वीपी शर्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। लास्ट हमारा जो माता रानी का नवरात्रों का हुआ था, लास्ट टाइम भी आप हमारे साथ थे। बहुत अच्छा लगता है हर बार आप आते हो, और आपका सहयोग पूरा हमारे साथ रहता है। और सब सिंगर्स का, सब लोग, अगर सहयोग नहीं होगा तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? कुछ भी संभव नहीं है सबके बिना। तो अच्छा लगता है सब साथ जुड़े हुए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। सह आयोजक अनीता शर्मा जी। अनीता जी, क्या संदेश? बस आज माता रानी की चौकी है, और आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हम भाग्यशाली हैं जो हम इसमें शामिल हैं। बस जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अनु है, और बड़ी खुशी हुई मुझे आके। आज माता जी का पहला दिन है, और मैं ये कहती हूँ कि ये कदम वीपी सचदेवा साहब ने उठाया, और वो साउथ दिल्ली का पहला डिवोशनल ग्रुप है। ऐसे ही एक से बढ़कर एक साथ साथ चलते रहें, और ये पूरे भारत में नवरात्रि क्या, हर दिन माता के ये होनी चाहिए भजन। और आज जितने भी यहाँ पर लोग आए, मैं तो ये बोलती हूँ कि माता के ब्लेसिंग्स उनके ऊपर आज बरसें, और घर जाके वाकई में जैसा कि इन्होंने बोला कि आज कुछ ना कुछ हमें एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी, और मैं तो ये कहती हूँ सबको मिले। और थैंक यू सो मच, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, और जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं चाहूँगी सचदेवा जी के लिए इसी तरह से ब्लेसिंग देते रहें कि ये ऐसे प्रोग्राम करते रहें, इनका हाथ हम पर रहे और इनके ऊपर माता जी का हाथ रहे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ही बता दूं आपको, अनु फ्रैंक जी हमारे क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखते हैं, और ये जिस तरह से खुशी सम्मिलित होती हैं, झूमती हैं, नाचती हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम भी नमन करते हैं आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद वीपी सचदेवा जी, इसी तरह से आप धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते रहें। शर्मा जी, आपने हम सब से सवाल किए और हमारी जान पहचान लोगों के सामने रखी, अब मैं चाहूँगा मैं भी आपसे दो शब्द पूछने का हकदार हूँ। जी स्वागत है। शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डिवोशनल प्रोग्राम में ज़रूर पहुँचते हो। मैंने कई बार कई लोगों के साथ देखा है और मेरे पास भी आप पर्सनल डालते हो तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। तो आपको हमारी भजन संध्या में आके कैसा महसूस होता है जब आप भजन गाते हो स्टेज में, तो थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं सच बताऊँ तो आप कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं भक्ति रस में इतना रम जाता हूँ कि मैं और कार्यक्रम भी अपने भूल जाता हूँ। सच बात तो यह है, अभी मेरे को दो कार्यक्रम में जाना है, एक का तो टाइम है। बहुत ही अच्छा और नेक कार्य कर रहे हैं आप, केवल हमको नहीं आने वाली पीढ़ी को भी एक संदेश दे रहे हैं भक्ति के बारे में कि भक्ति कितनी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप भक्ति की महफिल कहें या भक्ति की संगत इकट्ठी करते रहें और सबको भक्ति रस में सराबोर करते रहें। कैमरामैन, छोटा सा मैसेज मेरा भी है जी, जी कि जितने भी व्यूवर्स INS न्यूज़ चैनल से हमें देख रहे हैं या इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ये आगे से आगे बढ़ता रहे और हम इनके साथ बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं तो आपके साथ बढ़ ही रहा हूँ, खैर बाकी ऊपर वाले की मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अशोक के साथ VP शर्मा। शक्ति ने मां
जय माता दी। बोल जय नरवर की। करा